हाय हेलो गाइस, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। तो मेरा नाम है सिया डालाकोटी, जैसे आप मुझे इंस्टाग्राम से जानते हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मम्मी एंड ट्वेंस व्लॉग में। तो आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे, इट्स नेचुरल। मेरा नाम सिया वैभव डालाकोटी है और मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, माइका फैमिली से एंड ससुराल फैमिली से, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। और करंट में मैं रहती हूँ और यहाँ काशीपुर में, उत्तराखंड में ही है ये भी। और फैमिली में शॉर्टकट अभी आपको मिलाऊंगी किसी से नहीं, वामिका और विवान को आप जानते ही हो, मुझे आप जानते हो। और मेरे अलावा मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं, वामिका विवान के डैडी, और मेरी सासू माँ वो भी हमारे साथ ही रहती है, और मेरे ससुर जी रहते हैं भवाली। एक हमारा छोटा सा पपी है डेजी, मेरी बड़ी बेटी, उसके आने से ही मेरी लाइफ में बहुत हैप्पी हैप्पी चीज़ें हुई हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं ना। तो वो भी फैमिली मेम्बर है, अभी फैमिली है नहीं पूरी, जब भी होगी इकट्ठे हम रहेंगे तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर मिलवाऊंगी। मैं ट्वेंस मम्मी हूँ, दो ट्वेंस है मेरे, वामिका और विवान, एक बेटा और एक बेटी। तो मैं भी बाकियों की तरह एक प्यारा सा छोटा सा ड्रीम लेकर के यूट्यूब पे आई हूँ कि मैं व्लॉग डालूँ। और जितना प्यार आपने मुझे इंस्टाग्राम पे दिया बच्चों को मेरे, आई होप कि आशा करती हूँ मैं आप इतना ही प्यार मुझे यूट्यूब पर भी देंगे। मैंने पोस्ट डाली थी कुछ दिन पहले, काफ़ी लोगों के DM आते हैं मेरे पास, मैम ये दी वो, बहुत तो पॉसिबल नहीं होता गाइस कि मैं इतने सारे रिप्लाई DM में जा कर के कर पाऊँ बच्चों के साथ और फैमिली के साथ, और साथ में 3-4 दिन की व्लॉगिंग भी मैं की मैंने। तो गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने डाल दी कंटिन्यू व्लॉग 1 2 3 4, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई थॉट इसीलिए नहीं करना चाहिए था क्योंकि मुझे जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाली तो मुझे लगा कि मेरी जो इंस्टाग्राम की फैमिली है 17+ के की, तो वही आके मुझे देखेगी यूट्यूब पर, लेकिन शायद ऐसा नहीं होता, नॉलेज कम है मुझे यूट्यूब की। तो मुझे वहाँ पे वीडियो डाल के पता लगा, व्लॉग डाल के, कि नहीं यूट्यूब पर भी मुझे रैंडम लोग देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं टचउड तो 4 दिन के ब्लॉग डालने पर मुझे फ़ायदा ये हुआ गाइस कि जहाँ पे 130 या कुछ ऐसे करके थे तो वहाँ से ग्रो करके 200+ की फैमिली मेरी हो गई है। तो ये 200+ ही गाइस, 200K नहीं, 200 की फैमिली, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। 3 दिन के ब्लॉग में ही मेरे 50-60 फैमिली और बढ़ जाना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, है ना, क्योंकि मैं नई आई हूँ, इतनी नॉलेज नहीं है। और इंस्टाग्राम पर वीडियो डालती थी मैं, तो मेरी फर्स्ट वीडियो जब वायरल हुई थी आज से कुछ 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले, जब मेरे बच्चों की कुछ ग्लिम्पस वीडियोस डाली थी मैंने, कुछ नेमिंग सेरेमनी से उठा करके, कुछ वेलकम वीडियो से उठा करके, तो आप लोगों ने खूब सारा प्यार दिया था, भर भर के प्यार दिया था। कुछ 5 मिलियन 6 मिलियन भी क्रॉस करके गई थी वो वायरल वीडियोस। तो उसके बाद से होने लगी धीरे धीरे मेरी, आप ट्रस्ट नहीं करोगे गाइस, मेरी कुछ 330 या 400 तक की इंस्टाग्राम फैमिली थी, वो आज 17K+ हो गई है। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गाइस। सोचो जहाँ पे एक पोस्ट डालने पर 1 लाइक 2 लाइक या कुछ 50 व्यूज़ भी अगर आ जाते थे ना, तो मैं इतनी हैप्पी हो जाती थी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, खुशी देख सकते हो आप मेरे फेस पे। तो वहाँ पे 17K+ फैमिली होना और इतने सारे वीडियो वायरल होना, 5 मिलियन क्रॉस करना, 6 मिलियन क्रॉस करना, तो इट्स बिग अचीवमेंट फॉर मी गाइज, है ना। सबके लिए नहीं होती होगी जो वायरल हो चुके हैं या फिर जो बहुत टाइम से एफर्ट कर रहे हैं अपने चैनल को, अपने ब्लॉग को और अपने इंस्टाग्राम वट एवर जो भी वो करते हैं सोशल मीडिया पर, है ना। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी और बहुत प्राउड मोमेंट भी था। मैं प्राउड मम्मी हूँ कि बच्चों के आने से इतना सब कुछ अच्छा हुआ है ना। तो वही बात है कि ब्लॉग डाले मैंने, आए व्यू जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे उतने नहीं आए, लेकिन 200 भी आए, तो इट्स बिग अचीव फॉर मी, है ना। तो मैंने यूट्यूब पर ना ऐसे ही कम्युनिटी पोस्ट में डाला था गाइज, कि ऐसे पोस्ट डाला था कि
आप इंट्रोडक्शन व्लॉग आपको चाहिए या फिर क्यू एन ए चाहिए? क्यू एन ए इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने आपको बताया पहले भी कि बहुत सारे क्यू एन ए मेरे पास आ रहे थे, जिसका अलग अलग से डीएम में जा जा करके मेरे को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं था। फिर भी जो मुझे लगता है कि उनको सच में नीड है, या फिर वो भी ट्वेंस मम्मी बनने वाली है या मम्मी बनने वाली है या न्यू मम्मी है, उनको समझ नहीं आता, तो मुझे लगता है कि हाँ नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनको मैसेज कर देती हूँ। जिसको जो मैसेज तो सारे इंपॉर्टेंट आते हैं, लेकिन नहीं पॉसिबल होता, हाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उनको थोड़ी सी हेल्प से, उनको लगता है कि हाँ थोड़ा सा रिलीफ फील होता है, मैं कर देती हूँ। तो वही पोस्ट मैंने इंस्टाग्राम पर भी डाली, वही पोस्ट मैंने यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में भी डाली। तो मोस्टली मतलब कि 98% लोगों ने इंट्रोडक्शन ब्लॉग ही मांगा मुझसे। तो मुझे भी लगा कि हाँ यार यूट्यूब पे भी मेरे को रैंडम लोग देख रहे हैं, तो मुझे पहले इंट्रोडक्शन ब्लॉग ही बनाना चाहिए, है ना। मैं इसी उम्मीद पे डालूंगी अब ब्लॉग कि आप मुझे पसंद करोगे, देखोगे मुझे, है ना। बहुत सारे एफर्ट करूँगी गाइस, यही बड़ी बात है मेरे लिए कि 3-4 दिन में मेरे यूट्यूब पर फैमिली 200 की हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा नहीं है कि हज़ारों 2 हज़ारों तब भी खुश होंगे, कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो पूरा पूरा एफर्ट मैं करूँगी, है ना। बाकी लाइक करना और सपोर्ट करना आपके हाथ में, अच्छा लगेगा तो। और जहाँ पे आपको लगता है नहीं आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो मेरी वीडियो से, कुछ ना कुछ आपको लग रहा है कि नहीं कुछ गलत है या फिर मुझे कुछ सही करने की नीड है, तो वो आप मेरी हेल्प करोगे। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसी होप में, इसी आशा में वीडियो डाल रही हूँ कि आप करोगे पसंद। तो आज का इंट्रोडक्शन व्लॉग यहीं तक था। इंट्रोडक्शन व्लॉग आगे आपकी कोई भी क्यू एन ए होगी तो आप मेरे को कमेंट में कर सकते हो। मैं आगे जो अब नेक्स्ट वीडियो डालूंगी वो क्यू एन ए पे ही होगी गाइस। बहुत सारे लोग की शिकायतें हैं मुझसे कि नहीं आप क्यू एन ए हम आपसे करते करते थक गए हैं, आप नहीं रिप्लाई करते हो, जो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया पॉसिबल नहीं होता, एक एक को डीएम में जा करके रिप्लाई करना नहीं पॉसिबल हो पाता, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास, है ना, ये देख सकते हो आप, तो नहीं पॉसिबल हो पाता है गाइस। इसीलिए मैं आपको सारे रिप्लाई यूट्यूब पे दूंगी वीडियो बना करके। तब तक के लिए बाय बाय, होप कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे और अपना प्यार दोगे खूब सारा। कितने लोग उत्तराखंड से हैं, कितने लोग मुझे कहाँ से देखते हैं प्लीज़ ये भी बताना, क्योंकि ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है और बहुत होपफुली बना करके मैंने इसको डाला है। बच्चों को उनकी दादी के पास देख करके मैंने कहा मम्मी प्लीज़ मुझे इंट्रोडक्शन व्लॉग शूट करना है, और मैंने प्रॉमिस किया है सबसे, कल का प्रॉमिस किया था गाइज। आई एम सो सॉरी कि लेट हो गया, नहीं हो पाया था बच्चों के साथ, मैं लेट हो गई थी, तो आज फाइनली मैंने बोला कि आप संभाल लो बच्चों। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।